हेलो गाइस, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। सो गाइस, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है। आज हम केबीसी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आज रात यानी 9th of May रात 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। गाइस, हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है हमारा SMS प्रोसेस, एक दूसरा है ऑनलाइन प्रोसेस, थर्ड इज़ कॉलिंग प्रोसेस। तो इस बारी जो KBC है उसमें कॉलिंग प्रोसेस वर्क नहीं करेगा, तो बस आप दो ही प्रोसेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ SMS, सेकंड इज़ ऑनलाइन। तो हम दोनों प्रोसेस को समझेंगे। अगर आप SMS के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको 509093 पर सेंड करना है। ये है हमारा नंबर जिस पे आप अपना SMS सेंड करेंगे। अब जो सेंड करने का प्रोसेस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपने लिखना होता है KBC इन कैपिटल, फिर आप स्पेस देंगे, फिर आप ऑप्शन लिखेंगे। मीन्स अगर कोई क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए है तो आप ए लिखेंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है तो आप बी मेंशन करेंगे, ऐसे ही CD। फिर आपने अपनी स्पेस देके एज को मेंशन करना है। जो आप एज मेंशन करते हैं वो इस तरीके से मेंशन करते हैं, आपको पूरी कंप्लीट एज लिखनी होती है। लाइकवाइज अगर आप 19 years 2 months है तो आप 19 years 2 months ही लिखेंगे। नेक्स्ट आपको स्पेस देके जेंडर मेंशन करना होता है, लाइक एफ और एम, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। सेकेंड, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपके पास इमीडिएटली एक रिप्लाई आएगा दैट योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। दूसरा तरीका है हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सोनीलिव ऐप डाउनलोड करना होगा। जब आप सोनीलिव ऐप डाउनलोड कर लोगे तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में ऊपर आपको 3 dots दिखाई देंगे और 3 lines होंगे। तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपको KBC रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। KBC रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलने के बाद में आप उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप रात 9 बजे से पहले प्लीज़ को क्लियर कर लें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके गाइज, थैंक यू।